अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों से चिकन फजीता राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही जायकेदार लगता है खाने में। होटलों पर मिलने वाली है चाइनीज़ डिश, बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए आइए बनाते हैं। चिकन फजीता राइस बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम ये बोनलेस चिकन ले लिया है, कुछ रफली और कुछ क्यूब्स में काट लिया है ऐसे। चिकन फजीता राइस बनाने के लिए मैंने कुछ मसाले ले लिए, एक चम्मच नमक लिया है हसबे जगह, एक छोटा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच पेपरिकन पाउडर लिया है, एक चम्मच भरकर फ्रेश लहसुन ले लिया है मैंने, और एक चम्मच चिली फ्लेक्स लिए है। कुछ हरी सब्जी ले ली है मैंने, एक शिमला मिर्च काट लिया था रफली, एक टमाटर बीज निकाल कर ये भी रफली काट लिया है, एक प्याज लिया था वो भी रफली काट लिया मैंने, और एक मीठी हरी प्याज ली है मैंने, ग्रीन अनियन। अब चिकन को मैरिनेट कर दूँ, ये सारे मसाले चिकन के अंदर डाल दूँगी। एक चम्मच विनेगर डालूँगी इसके अंदर, एक चम्मच सोया सॉस डालूँगी और एक चम्मच ही टमाटो केचप डालूंगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है सरसों का। ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर ये लहसुन का पेस्ट डालूंगी 1 चम्मच, और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी 1 से 2 मिनट। ब्राउन हो चुका है लहसुन, अब इसके अंदर मैं प्याज डालूँगी। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है, ऐसे बस ऐसे फ्राई करना था प्याज हमें हल्का सा। अब इसके अंदर मैं ये चिकन मैरिनेट किया हुआ डाल दूँगी और अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी हाई फ्लेम पर। अच्छे से भुनाई की है मैंने इसकी 2 मिनट हाई फ्लेम पर चिकन की। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी जिससे गल जाए अच्छे से चिकन, और 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाऊँगी। अच्छे से चिकन पक चुका है हमारा, और देखो गल भी चुका है अच्छे से। अब इसकी भुनाई भी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं सब्जियाँ डालूँगी, शिमला मिर्च, टमाटर और थोड़ी सी हरी प्याज डालूंगी, थोड़ी मैंने बचा ली है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। अब इन सब्जियों को भी मैं 2 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। गैस का फ्लेम हाई रखना है, पूरी तरह से नहीं गलानी है सब्जियाँ, थोड़ी सी क्रंची सी रखनी है, इससे अच्छा टेस्ट आएगा सब्जियों के अंदर। आप टमाटर की जगह रेड शिमला मिर्च भी यूज कर सकते हो, गाजर भी यूज कर सकते हो, जो पसंद हो आप लोगों को, अपने पसंद की सब्जियाँ डाल सकते हो इसके अंदर। 2 मिनट सब्जियाँ पकाने के बाद अब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए, चावल बाउल करके रख दिए थे मैंने पहले ही उबाल कर ठंडा होने के लिए। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे चावल डालकर। गैस का फ्लेम मैंने हाई किया हुआ है, गैस बंद नहीं करना है इस टाइम पर, गैस का फ्लेम हाई रखना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है चमचे की मदद से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और इनका टेस्ट बहुत ही जायकेदार होता है, रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हो रहे हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार हो गए हमारे चिकन फजीता राइस, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जायकेदार लगते हैं खाने में। अब ऊपर से हरी प्याज से गार्निशिंग कर दूँगी, एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा मेरे तरीके से, बहुत पसंद आएंगे आप लोगों को इंशाल्लाह। अब सर्व करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनकर तैयार हुए हमारे चिकन फजीता राइस, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत जल्दी से बनने वाले हैं चिकन फजीता राइस। बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जायकेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल मल्टी व्लॉग विद फिजा को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।